हाय गाइस, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बॉलीवुड में ये साल कहला रहा है शादियों का साल। इस साल 2018 की शुरुआत से ही हमने देखा कई प्यार के खुलासे हुए तो कईयों ने शादी ही कर डाली। इस साल बॉलीवुड में कई बड़ी शादियां हुई और उनके कई रिसेप्शन भी हो रहे हैं अभी तक। हाल ही में इन बड़ी शादियों में से एक शादी हुई नवम्बर 14 और नवम्बर 15 को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जो हुई थी लेक कोमो नाम की जगह पे इटली में। और फिर बॉलीवुड की ये दो बड़े सितारे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इंडिया में आकर अपनी शादी के 3 रिसेप्शंस भी रखे। और इन दोनों के बाद अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और यूएसए के मशहूर सिंगर निक जोनस की भी हो चुकी है शादी और इनके रिसेप्शंस के फंक्शंस अभी भी जारी है। ये साल बॉलीवुड में शादियां जैसे हो रही है जैसे कि मानो कोई शादियों की टिकट बांट रहा है और बॉलीवुड के सारे सितारे लाइन में खड़े हो चुके हैं ये टिकट खरीदने के लिए। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि साल 2018 शादियों से और प्यार से भरा हुआ है, पर जहाँ पर सारे बॉलीवुड सितारे एक जगह पर शादी कर रहे हैं, वहीं पर कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक शादी का लफ्ज अपनी जुबान से निकाला नहीं है। हम सब जैसे कि जानते ही हैं, बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रिश्तों को लेके। जहाँ पर हम कभी सुनते हैं कि कोई बड़े एक्टर का हाल ही में डिवोर्स हो चुका है तो कोई कपल सेपरेट होने जा रहे हैं और कईयों का हम सुनते हैं कि अफेयर भी चल रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे बॉलीवुड में सितारे भी हैं जिन्होंने सोचा वो इन मामलों में कदम ही ना रखे। हम सभी ने बॉलीवुड में कई बार देखा कई रिश्ते टूटते हैं और कई रिश्ते जुड़ते भी हैं। और मैं सिर्फ शादियों की बात नहीं कर रही हूँ, बॉलीवुड में दोस्तियाँ भी ऐसी ही चलती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताती हूँ जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो गई है पर उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमीषा पटेल से। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा अपनी पिक्चर कहो ना प्यार है से, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। अमीषा पटेल के साथ ऋतिक रोशन भी दिखाई दिए इस पिक्चर में। अमीषा पटेल की ये पिक्चर मेगा ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसके बाद उसी साल 2000 में अमीषा पटेल एक तेलुगु फिल्म बद्री में भी नजर आई थी। और फिर इसके बाद साल 2001 में अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में और एक मेगा ब्लॉकबस्टर दी फिल्म गदर से। अमीषा पटेल का 18 साल का फिल्मी करियर बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। उनकी पर्सनल लाइफ में अमीषा पटेल अभी तक सेटल नहीं हुई है। अमीषा पटेल का जन्म हुआ है 9 जून 1976 को और अब वो 42 इयर्स की हो चुकी हैं और अभी भी इनकी शादी करने की कोई खबर बाहर नहीं आई है। चलिए बात करते हैं हम दूसरी एक्ट्रेस के बारे में। हमारी दूसरी एक्ट्रेस का नाम है तबू। एक्ट्रेस तबू का जन्मदिन 4 नवंबर 1971 में हुआ और उन्होंने फिल्म की इंडस्ट्री में कदम रखा साल 1994 में। एक्ट्रेस तबू की सबसे पहली फिल्म थी विजयपथ और हाल ही में तबू को देखा गया फिल्म अंधाधुन में। एक्ट्रेस तबू ने अपने 25 साल के बॉलीवुड करियर में कुल मिला के 22 फिल्में करी हैं, तो ये मान सकते हैं हम इनका भी बॉलीवुड करियर बहुत ही ज्यादा खुशहाल और बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। पर तबू फिलहाल 46 इयर्स की हो चुकी हैं और अभी तक वो सेटल नहीं हुई हैं। हालांकि साउथ फिल्म के एक एक्टर नागा अर्जुन के साथ उनका नाम भी जुड़ा गया था, पर फिर भी तबू के शादी करके सेटल होने की खबर अभी तक नहीं आई है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्ट्रेस की ओर, जिसका नाम है सुष्मिता सेन। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का जन्म हुआ 19 नवंबर 1975 को और उसके बाद सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में कदम रखा साल 1996 में अपनी फिल्म दस्तक से। सुष्मिता सेन ने अपने 22 साल के बॉलीवुड करियर में कुल मिला के 35 फिल्म करी हैं और साथ ही साथ सुष्मिता सेन को ना ही बॉलीवुड की फिल्मों में पर साथ ही साथ साउथ की कुछ पिक्चर में भी देखा गया था जिनमें वो लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रही थी। सुष्मिता सेन का करियर लाइफ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गुजरा पर उनके लव लाइफ में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। सुष्मिता सेन अभी तक शादी कर सेटल नहीं हुई है, पर हाल ही में हमें माना जाता है कि सुष्मिता सेन जल्द ही शादी कर सकती है अपने नए बॉयफ्रेंड रोमन शॉल से, जिन्हें उन्हें देखा गया सुष्मिता सेन के साथ एयरपोर्ट पे कई बार। और साथ ही साथ सुष्मिता सेन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस और फोटोज भी शेयर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं इन सारी एक्ट्रेस के लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्यार और खुशी रहे। इसी के साथ मैं तुषाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को।